बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दसबर। हमारा कल ना एक कबूतरी उड़ गई थी, कबूतरी तो अभी नजर आ रही है मुझे। कल की उड़ी हुई थी, कल की वापस नहीं आई, तो अभी मुझे थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। ये कहाँ गई है? ये देखिए, ये नजर आई है। पता नहीं ये हमारी कबूतरी ना पूरी शाम कहाँ रही होगी। चलो जी आप छत पे, चलो जी छत पे चले जाओ। उड़ने वाले कबूतर है ना, वो बस तीर रह गया, बाकी सारे के सारे बीमारी आई थी ना, वो हमारे कबूतर मर गए थे। पहले ना मैंने यहाँ ईटे रखी हुई थी, हमने ऑस्ट्रेलियन तोतों के लिए घर बनाया था, तो वो इधर से मैंने उतार करना, तो इनके लिए घर बना लिया अपने कबूतरों के लिए। ये देखिए, ये कबूतरी उड़ रही है, देखिए कैसे पंख छोड़ दिए कबूतरी ने। तो सूरज कहाँ आ गया? आज धूप निकली है माशाल्लाह, मैंने सपने को ना खोल दिया था। ये वाली जो खरगोशी है, इसने हमारे घर बच्चे दिए हुए थे, चार बच्चे मर गए हैं, अकेला एक ही बच्चा है। तो हमारी जो दूसरी खरगोशी थी ना, उसने भी पांच बच्चे दिए हैं, तो इसका बच्चा था ना उसके नीचे रख दिया। ये वाली खरगोशी सुई है, कहाँ गई है बच्चे सारे? ये देखिए एक ही है बैठा हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये जो खरगोशनी का बच्चा है ना, ये दूसरी माँ का है। क्यूट से छोटे छोटे। आप सब लोग भी कमेंट करके बताना हमारी खरगोशनी के बच्चे प्यारे हैं कि नहीं प्यारे। मुझे तो बहुत ही बहुत बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, ये उड़ रही है, बार बार पंख छोड़ देती है। आजा आजा, वो देखे कैसे पंख छोड़ रही है। ये जल्दी बैठ जा, मुझे और भी काम है। नहीं बैठना तो बैठ जा, घंटा डेढ़ हो गया इसको इंतजार करते हुए। तो ये आ गई है ये, माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर ना उड़ जाना। आ जाओ आ जाओ मेरे हाथ में, आ जाओ। लो ये बैठ गई, शुक्र है अल्लाह। ये हमारी कबूतरी इसको वापस भेज दिया। खा लो खा लो। मैं अपने खरगोशों के आगे और अपने लेलू के आगे ना, ये कुतरा हुआ चारा डाल रहा था, पर ये शौक से नहीं खा रहे। मैं कहता हूँ सबूता चारा लाते हैं और इनके आगे डालते हैं, ये फिर शौक से खा लेंगे। ये देखिए, ये स्टाल है, थोड़ा सा स्टाल ले आता अपने खरगोशों के आगे, साथ में लेलू भी खा लेगा। इधर 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 कम कर लो, आ जाओ चले जाना अपने बाहर। बिलावल भी मेरे साथ आ गया। बिलावल दातरी का ना जिसके साथ चारा काटने, हवेली में है जी। चलो आज फिर लेने चलते हैं। ये हवेली है, यहाँ दातरी पड़ी हुई है, तो चाबी से ये ताला खोलते हैं, फिर अंदर से दातरी लेकर चारा काटते हैं। खोलो बिलावल दरवाजा। चलो दातरी कहाँ है? दातरी है अभी, ये दातरी से मैं चारा काटता हूँ। जाकर बिलावल दरवाजा लाकर आ जाना, लगायो ताला। क्या जी? चलो आ जाओ मेरी चारा काटी। यहाँ से ना थोड़ा सा चारा काट लेते हैं, फिर अपने खरगोशों को आगे जाकर डालेंगे। चारा मैंने काट लिया, अभी इस चारे को लेकर ना छत पर जाते हैं और अपने खरगोशों के आगे डालते हैं। बिलावल उठा लो चारा, दातरी पकड़ा दो। क्या मुझे अभी आपके दो, आपके दो मुझे खरगोश आपने दिखाओ। तो अपने परिंदे दिखाऊं आपको? हैं? अपने परिंदे दिखाऊं आपको? हाँ जी। चलो आ जाओ। मेरे दोस्त कह रहे हैं अपने ना परिंदे दिखाओ, इनको जाकर परिंदे दिखाते हैं अपने। दातरी को इधर रख देते हैं, भली आओ चारा, आओ छत पर ले आओ। कभी नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है ये। आ जाओ हाय, आ जाओ आ जाओ, चारा खा लो। चलो इधर डाल दो। कितने बच्चे हैं खरगोश के? खरगोश के छह। ये अंदर रखाओ, इधर मास्टर केज के अंदर। आ जाओ मास्टर केज के अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बुलाओ नहीं आओ। क्या ये नहीं, वो छोटे हैं। ये क्या है? खरगोश। खरगोश है? कौन से? बड़े बड़े बालू वाले खरगोश। नहीं के बच्चे देखने हैं? आपने रैबिट देख लिए, मोर देख लिए। आपके कितने बड़े वाह खरगोश हैं। वो सबसे बस 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 करो बस करो, बड़े हैं खरगोश आपके। बस 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 बस। ये कितना प्यारा है, प्यारा कितने प्यारे हैं। मैंने अपने दोस्त को ना खरगोशनी के बच्चे दिखा दिए। इतने 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 चार हैं।
कुंडी लगा दो लग जा। किसके अंदर? इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। हाँ शाम को ना हमारा लेलू इधर रहता है और जो सील मुर्गियाँ सील मुर्गा रहता है इधर, वो देखे कैसे खा रहे हैं। आपको पकड़ दे तुम ये लो, यो जो मैंने आपको सबसे आखिर में दिखाया था ना बच्चा, वो ये है उसकी माँ। ग्रीन कलर का क्या? हाँ वो देखो अभी भी कलर है। हाँ थोड़ी सी शोए मार लेते अपने दोस्त के आगे, चली जाओ। नहीं उड़ती अभी, अपने घर में चली जाएगी। चलो अपने घर में चले जाओ, बस इतना ही है। वो दो बहुत ज्यादा प्यारे हैं और ये सारे प्यारे हैं। क्या कह रहे हो? 1350 की एक है, पता नहीं मुझे, पता नहीं 1350 के दो हैं या एक है। ये देखे ये तीन है। केला? क्या ये केला और वो दो? ये बोलता ये नहीं बोलते। मटर तो नहीं, मियां मटर। चुप कर जाओ, ये खुद बोलेगा। सिले तो थे दो यहाँ केले, अब वो उनका नाम ही नहीं पता मुझे। पापा जान कह रहे हैं ये जो हमारी बिग फिश है ना, जो हम छप्पड़ से पकड़ कर लेकर आए थे, इसको बाहर निकाल दो, क्योंकि ये जो हमारी डंगल फिश है ना, वो बिग फिश ना इनको खा रही है। हमारी बिग फिश ने खा दी थी इस कलर की एक फिश, तो आज इस कलर की ये जो हमारी बिग फिश है ना, इसने खा दी थी। ये देखिए यहाँ बैठी हुई है आराम से खा खू कर। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ना इसको अपने बड़े अक्योरियम में रखूँ पानी डालकर, या फिर सोचता हूँ इसको ना अपने घर, जो इसका घर था ना उसमें छोड़ा था छप्पर में। तो आप सब लोग कमेंट करके बताना इसका क्या करें, छप्पर में छोड़ा है तो जा कर यहीं रहने दें। वैसे तो प्यारी तो काफ़ी ज़्यादा लगती है। अभी नीचे बैठ गई मेरी तरफ से देख, मेरी तरफ देख कर। दो हैं, एक ये है और ये एक ये है। तो मेरा तो दिल कर रहा है इनको ना छप्पर में छोड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई जब कि ना रानू को बाहर लेकर जाते हैं और इसको घुमा फिरा कर लेकर आते हैं, साथ खुद भी घूम फिर लूँगा। अपनी रानू को मैं बाहर ले आया हूँ, भाई जी मैंने साइकिल का नाम रानू रखा हुआ है, इसलिए मैं इसको रानू रानू कह रहा हूँ। तो अभी ना इसको घुमाने फिराने लेकर चलते हैं। चलो जी, हमारा डागी भी हमारे साथ आ गया, कूती है और साथ और दो तीन और डागी आ गए, साथ ये भी घूम फिर लेंगे और साथ मैं भी घूम फिर लूंगा। ओए लड़ना नहीं, ओए साइड में, ओए ओए लड़ने लग गए। मारा डागी लड़ गया था, लड़ने लग गया था, मैंने इसको छुड़ा लिया उनसे, वरना ये मार खा लेता तभी। उनको नहीं साथ आने देना मैंने। ओ चलो वापिस ही चलते हैं बाहर को। हमारा डागी काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया। यहाँ देखे नज़ारे, हर तरफ हरियाली हरियाली है, इधर भी हरियाली इधर भी हरियाली। ऐसे ना हरियाली में बहुत मज़ा आता है, हर तरफ हरियाली हो तो हरियाली के दरमियान में आप रहते हो ना, फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो देखे वो सामने हमारा घर है, तो मैं अपने घर के कितनी ज़्यादा दूर आ गया हूँ अपने घर से। वो देखे वो आ रहा है हमारा डागी, ये आ गया। कहाँ भाग जाते हो आप? इधर रुको रुको एक मिनट, कहाँ भाग जाते हो? वासना नहीं देती आपको हैं कोती है? आज हमारा डागी भी ना काफ़ी दिनों बाद अपने खेतों में आया है। चलो जी चलो जी, फिर साइकिल को मैंने खिलार दिया, तो मैंने काफ़ी सारे झूले भी ले लिए हैं और साथ डागी को भी घुमा फिरा लेकर आया हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्त के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।